हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है बीबी की वाइंस माय ड्यूटी। सो नई वीडियो आई है बीबी की और हम देख रहे हैं ना कोई एंग्री मास्टर जी ना कोई टिटू मास्टर या कुछ और भाई माय ड्यूटी। तो बीबी की एक है तो अच्छी ही होगी ऑब्वियसली। सो लेट्स सी कि ये मूवी कितनी एंटरटेनिंग है और इसमें क्या क्या होता है। रख लिया ना सारा सामान, चाकू रख लिया, रख लिया और वो मिर्ची वाला स्प्रे रख लिया, एक काम करो कैंची भी रख लो और वो गरम मसाला भी। हाँ हाँ रख लिया। भाई दीदी तुम औरत हो या किचन, ये सब क्या? तेरी माँ को मैंने कराटे कोचिंग लगवाने का फैसला किया है, ये लो। क्या? हाँ तो मैं कुछ समझा नहीं। अरे रहने दे, तुम लोग वो मोमबत्ती लेके धरना करने वाली पीढ़ी हो, आज बात करोगे कल फेसबुक पे लिखोगे और फिर भूल जाओगे। ये लो। कराटे सीखना बढ़िया है लेकिन मुसीबत के टाइम औरत कहाँ चार पांच आदमियों से निपटेगी। हर बार औरत को ही क्यों सावधानी बरतनी चाहिए? लेकिन इस उम्र में कराटे, उम्र देख के बलात्कार होते हैं। ओके तुम जाओ, मुझे हर आधे घंटे में कॉल करना ठीक है, और वो ऑटो वाले का नंबर प्लेट की फोटो खींच के मुझे भेज देना और टाइम टू टाइम हर आधे घंटे में कॉल करती रहना ठीक है। 100 नंबर लिस्ट में सबसे ऊपर है, जैसी कोई गड़बड़ लगे मिला देना ठीक है, और अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। जहाँ पे झुंड दिखे ना ज्यादा मर्दों का वहां से चल के मत जाना। मुझे मत समझाओ, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी डर में जी चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। घर से बाहर निकलने के लिए इतनी कंडीशंस है, हम ही जिम्मेदार हैं इसके। और तू क्या पहली बार देख रहा है ये? देश के सभी घरों में यही हाल है। तो एक नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है? खुद से एक सवाल पूछ सकता है। क्या? जो भी पूछूंगा उसका सही सही जवाब दियो। तुझे क्यों लगता है रेप होते हैं? चल तुझे 3 ऑप्शन देता हूं। छोटे कपड़े पहनने की वजह से, लड़की के देर रात पार्टी करने की वजह से, या फिर लड़की के शराब पीने की वजह से। पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है जीजा जी? यार देर रात तक लड़की का बाहर रहना गलत तो है। जो आदमी इन 3 ऑप्शंस में से किसी एक पे भी सहमति जता दे उसकी भी कहीं ना कहीं एक रेपिस्ट जैसी सोच है। वो रेपिस्ट नहीं है लेकिन सोच मिलती जुलती है। अरे बहुत सारे देशों में लड़कियां रातों को सड़क पे अकेली निकल जाती घूमने, जो बुर्खा पहनती है उनके रेप नहीं होते, 70-80 साल की औरतों के रेप नहीं होते। अरे छोटे 5 महीने के बच्चे तक को नहीं छोड़ते ये लोग, अब उनको भी क्या बुरखा और साड़ी पहनाने लग जाएं? पूरी जिंदगी सुनते आ रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे अपने लड़कों को कब पढ़ाओगे? बेटी पहले पढ़ाई भी करे फिर खुद को बचाने के तरीके भी सोचे। लोगों की मानसिकता बदलनी जरूरी है। इंस्टाग्राम पे भी मैं देखता हूँ कुछ लोग वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की फोटो के नीचे बहुत गंदे गंदे कमेंट लिखते हैं, रेप थ्रेड भेजते हैं। बेटा रोज हजारों रेपिस्ट हमारी आंखों के सामने घूम रहे होते हैं लेकिन दिखते बिल्कुल हमारी तरह ही है, एकदम साधारण। किसके मन में क्या चल रहा है क्या पता। लोग अवेयर तो हैं, वो ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करवा दिए। बेटा तुझे क्या लगता है रेपिस्ट ट्विटर पे होगा? वो ये हैशटैग देखेगा और उसको अकल आ जाएगी। बेटा इस सब की असली वजह जो रूट कॉज है वो है लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन। एजुकेशन नहीं, मॉरल एजुकेशन। पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग भी रेप करते हैं। किस फॉर्म में? मैरिटल रेप, पत्नी के इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती। पर उनके खिलाफ बोलता कौन है? न जाने कितनी शादियां समाज के बोझ के तले खींचे जा रही हैं क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसा रेप। ये जो हर साल ऐसी घिनौनी हरकतें सामने आती हैं, तुझे क्या लगता है ये एक लौता केस होता है? बेटा रोज हजारों रेप होते हैं लेकिन लोग पुलिस को कंप्लेंट करने से डरते हैं, पुलिस के FIR कॉपी तक वो बात पहुंचती नहीं। सालों को पब्लिक में खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। बेटा ये सब गुस्से में कहना जायज है, भावनाएं एकदम जायज है। मैं भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि वो साले जिंदा बचे, लेकिन हमारी 125 करोड़ की आबादी वाला देश है। सोच अगर जनता के हाथ में कानून आ गया तो तुझे आइडिया नहीं है कि उसका रोज कितना दुरुपयोग होगा। लेकिन ढंग का लॉ ही नहीं है। कानून तो है लेकिन मजबूत नहीं है। कितने रेपिस्टों को फांसी की सजा हुई है तुझे याद है? बढ़िया खाना पीना चल रहा है उनका जेल के अंदर। लगभग 30% पॉलिटिशियंस के तो खुद के ऊपर रेप चार्जेस है। साला टीवी पे आके कोई नेता बोल देता है कि लड़कों से तो गलती हो जाती है, और कुछ तो रेप सर्वाइवर के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। कुछ लोग तो इसमें भी मजहब ले आते हैं। अरे यार बेटियों को तो छोड़ दो कम से कम। फिर इसका सलूशन क्या है? बेटा रूट कॉज है लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन। सरकार को हर स्कूल और कॉलेज में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश करने चाहिए ताकि यहाँ प्रूव हुआ फटाक से फांसी। तुम बच्चे तो इंटरनेट पे माहिर हो, तुम्हें जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से सरकार पे दबाव डालना चाहिए ताकि ये सारी चीजें फटाफट लागू हो जाएं और मुजरिमों के मन में डर बैठ जाए। जितना जोश तुम क्रिकेट और फुटबॉल में दिखाते हो अगर उसका आधा भी तुमने इन चीजों में दिखा दिया तो देश का उद्धार हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां बहुत सुकून से जिएंगी। ठीक है फिर मैं भी अपने दोस्तों से बात करनी शुरू करता हूँ इस बारे में,
और टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटी क्लासेस से ही अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दे। बचपन से सीखेंगे तभी अकल आएगी। मैं कविता से पूछता हूँ घर लौटी या नहीं, अभी दीदी से पूछो। अरे बाप रे, दिस वीडियो नीड्स अ शेयर। आप लोग जरूर शेयर करें इसे ताकि अवेयरनेस फैले और लोगों को पता चले कि उनकी क्या ड्यूटी बनती है इस केस में। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो भी यूथ है इस कंट्री की या जहाँ की भी, जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उन्हें अपना पार्ट प्ले करना चाहिए और उन्हें इस चीज़ में अवेयरनेस फैलानी चाहिए दूसरों तक, अगर उन्हें लगता है कि उनका कुछ मैसेज से दूसरों का फ़ायदा हो सकता है। और स्टेट पर बिल्कुल प्रेशर डालना चाहिए ताकि वो जो लॉज बने हुए ऑलरेडी उनको प्रैक्टिकेबल बनाया। लॉज तो हर स्टेट में बने हुए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से ये लोग फिर खुलेआम फिरते रहते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप मजीद इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ये जो बात थी कि अवेयरनेस और इसको हाईलाइट किया जाए, स्टेट पर प्रेशर या लॉ इम्प्लीमेंट हो पाए, जैसे उन्होंने बात की कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो इस तरह से बोल देते हैं। ऑब्वियसली जो सिस्टम है, कानून बने हुए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। और बहुत सारे इश्यूज़ में ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके ऊपर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इन सारे इश्यूज़ को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और जैसे लास्ट में उन्होंने कहा कि जो हमारी यूथ है, अगर वो किसी इशू को फॉलो करे और इसके उस ज्यादा अवेयरनेस फैलाए तो इससे बेनिफिट हो सकता है। पाकिस्तान में एक केस हुआ ज़ैनब वाला, जो दैट वाज कि एक सिमिलर किसम का इशू पाकिस्तान में केस हुआ था, यूथ ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया था कि उन जो कल्प्रिट्स थे उनको सजा हुई और बहुत जल्दी वो केस सॉल्व। एग्जैक्टली, वो इतना हाईलाइट किया गया मीडिया में, सोशल मीडिया में, पब्लिक में इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया कि इतना तेजी से पुलिस ने भी रिएक्ट किया, इतनी तेजी से कि ना सिर्फ उस केस की पूरी तफ्तीश हुई, उस बंदे को पकड़ा गया, बल्कि उसे फांसी भी हुई। तो वो पूरा केस एक मिसाल थी कि अगर आप प्रॉपरली उसको बैकअप किया जाए तो इस तरह के ऐसी एग्जांपल सेट होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इतना स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए इसके इस चीज पर कि कोई रेपिस्ट ऐसा करने का सोच भी ना सके, मतलब ऐसी सोच भी नहीं आनी चाहिए कि ऐसा कोई करे। अल्टीमेटली वही बात हो जाती है ना, तो इतना लॉस्ट है। जब लॉज इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए, 1, 2, 3, 4, तो फिर ऑब्वियसली एक जो ना डर बैठता है, और फिर ऑब्वियसली उस तरह के केसेस की रेशो में भी। बट हमें बैठकर, हम मोस्टली जब भी इस तरह के इश्यूज हमारे सामने होते हैं, जैसे मैंने रिसेंटली इंडिया में सुना था वो जो इनकाउंटर किया गया था कुछ लोगों का, वो उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया उन लोगों ने, मतलब पब्लिक ने बड़ा। मैं फिर भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता इस तरह, उस पर भी डिवीजन है यार। एक्चुअली लॉज अल्टीमेट जो चीज है वो लॉज है आपके स्टेट के। अगर लॉज स्ट्रिक्ट होंगे तो ये केस हो गए नहीं, अब बार बार कितने इनकाउंटर्स करेंगे आप लोग। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का इशू है। बट जब लॉज के जरिए प्रॉपर चैनल के थ्रू लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर लोग ये दरमियान वाले रास्तों को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वो सारी बातें हैं जिसके ऊपर सिर्फ आम पब्लिक में बैठ के सिर्फ बात हो सकती है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। पहले ये देखना कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे एंड पे यही है कि हम जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं, इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि हर बंदे तक ये बात पहुंचे। सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, हम अपनी जो पसंद की चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, हम क्रिकेट में कुछ भी अपनी ओपिनियन से मनवा सकते हैं, किसी टीम के प्लेयर को टीम में लेकर आना है, बाहर करना है, हम इतनी वो सपोर्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट जाते हैं कि हमारे डिसीजन फिर इम्प्लीमेंट करने पड़ जाते हैं अथॉरिटीज को। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान टीम में कुछ प्लेयर्स थे जिनको टीम में नहीं लाना चाहती थी अथॉरिटीज, लेकिन इतने हाइप क्रिएट की गई सोशल मीडिया पे कि उन्हें मजबूरन लाना पड़ा। जो हम क्रिकेट में कर रहे हैं, यही चीज हम दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, जैसे रेप केसेस है, यहाँ को इन केसेस को इतना ज्यादा फॉलो किया जाए कि फिर जो कल्प्रिट्स हैं या विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ मिले वहां पर सारा कुछ। बिल्कुल, जैसे एग्जांपल है हमारे पास जो रिसेंटली हुआ भी, जैनब केस वाला, जो हमारा पाकिस्तान में इतना हाईलाइट किया गया कि अल्टीमेटली उसका एक अल्टीमेट हुआ, उस बंदे को फांसी भी हुई। तो ये पिछले दिनों में कुछ अजीब सी लहर चली है इंडिया में, काफी सारे केसेस आ रहे हैं, आज भी था, कल भी था, वो फिर 4 इनकाउंटर्स वाला केस, और
अजीब सी बात है, हम पता नहीं ऐसे सोसाइटी के सिर्फ जा रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा सलूशन है, मोरालिटी खत्म ही होगी स्कूल लेवल से, बहुत छोटे लेवल से अवेयरनेस आनी चाहिए। और ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा फोकस हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा होता है कि फीमेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि आपने हमारी यहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज हैं पेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं और यहाँ पर मर्द को बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंस दी जाती है जिसकी वजह से एक पार्ट निगलेक्ट हो जाता है। आप अपनी बेटियों को जितना ज्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस करते हैं, उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं या उनके ऊपर फोर्स करने की कि ये लिमिटेशंस लगाते हैं, अगर उससे आदि भी अपने लड़कों के ऊपर लगाएं और उनको उतना एक एजुकेट कर सके तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसले हमारी सोसाइटी के सॉल्व हो जाएंगे। ये एक इशू है हमारी सोसाइटी से बड़ी हुई, लड़की के कपड़ों में नहीं है मेरे ख्याल से, दिमागों में हो सकता है लोगों के। यही बात है, मतलब और तो कोई सीन बनता नहीं है रेप करने का। खैर आपका क्या पॉइंट है इस बात को लेके, आप अगर कुछ शेयर करना चाहें? ये बड़ा सीरियस किस्म का टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से, तो आप अपनी राय जरूर नीचे कमेंट करके जरूर दें। इसके अलावा कोई और आपने वीडियो देखी हो जो इंफॉर्मेटिव हो, पॉजिटिव हो, तो जरूर हमारे साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल। देखें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।